गजब हाल है भाई। कहने को तो यूपी में राम राज्य आ गए और यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी दे दनातन छापेमारी करते हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उनको छापा मार मंत्री की उपाधि तक दे डाली थी। लेकिन भैया मंत्री जी लाख छापेमारी कर लें, लेकिन आगरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी। बताइए भला, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही, परिजन उसे चारपाई में लिटाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से सीएससी पहुंचाते हैं। लेकिन भैया यहाँ भी गर्भवती महिला को सीएससी पर स्ट्रेचर तक नहीं मिला। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा। दरअसल पूरा मामला ताज नगरी आगरा से सामने आया है, जहां गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने काफ़ी देर तक एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नंबर नहीं। फिर क्या, गर्भवती की प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन आनंद फानंद में गर्भवती को चारपाई पर लिटाकर पड़ोसी के ट्रैक्टर ट्रॉली से ही अस्पताल लेकर पहुँचे। लेकिन भैया बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुँचने पर वहाँ पर स्ट्रेचर तक नहीं मिली, जिसके चलते परिजन उसे चारपाई पर ही गर्भवती को अस्पताल के वार्ड तक लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।